तो विदाउट वीजा आ गया उसके लिए फांसी की सजा थोड़े क्या फांसी दे देंगे। तो जो अभी जब तक की कोई ठोस निर्णय नहीं मिल जाए कि वो एजेंट है या वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी बनकर आए, जब चार बच्चे के साथ, अब कहिएगा कि बच्चे को लेके आने के पीछे रीजन है कि कोई उस पर शक नहीं करे, शक नहीं करेगा कि वो एजेंट है और बच्चे से लेके सारे चीजों का, लेकिन ये एक बहुत ही खतरे का संकेत जरूर है कि आपके हिंदुस्तान में यदि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक इतना इजीली यदि प्रवेश कर जाता है तो ये एक खतरा का संदेश है। और सवाल ये भी है ना सर कि जब वो जेल चले गए दोनों को, तो फिर से रिहा क्यों हो गया, बेल क्यों हो गया? देखिए वो बेल का अलग प्रोसेस है, न्यायालय में जो धाराएं लगी होती है, जो लड़की पाकिस्तान से सफर करते हुए हिंदुस्तान तक आ जाए तो पांचवी लड़की की औकात नहीं खिला सकती, कभी नहीं। एक साधारण महिला देना वो अकेले चार बच्चों के साथ सफर करने का जो जज्बा रखेगा वो पांचवी पास हो ही नहीं सकती। यदि हिंदुस्तान में आ जा रहा है और बड़ी आसानी से दिल्ली तक के दरवाजे पर पहुंच गया, चौखट पर है, आप नोएडा का मतलब समझिए कि दिल्ली का चौखट, वहां तक पहुंच गए तो लाल किला तक पहुंचने में उसको टाइम नहीं लगेगा। तो ये जिस तरीके से आप लोग, आखिर बिहार के लड़के से क्यों नहीं मोहब्बत हुई, उसको नेपाल के लड़के से क्यों नहीं मोहब्बत हुई? तो बगल में औरत बैठी और उसके साथ वो जान बूझ कर उसके दिमाग को भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए कुछ वो गंदी हरकत उसके साथ की। उसको पता था कि हिंदुस्तान हमको जाना है, तो वहां से वो समझती है कि नेपाल के रास्ते हम आएंगे। इसका एक अध्ययन करना कि आखिर कोई पाकिस्तान का सिटीजन हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाता और वो नोएडा यानी दिल्ली के एनसीआर वाले एरिया तक पहुंच जाता है तो लड़का को लगता है कि इस्तेमाल किया गया है हिंदुस्तान में आने का, क्योंकि लड़का सचिन एक मोहरा है, सचिन को सीधा है और वो वहां पर, और ये लड़की कई गुना ज्यादा आगे है सर, बहुत शार्प है, बहुत शार्प है, दिमाग की, मैं शार्प कह रहा हूँ। और ट्रेंड वो उसके जो बच्चे हैं वो भी वेल ट्रेंड हैं, वो आते हैं, नाम चेंज कर दिया, उसको पता भी है कि मेरा नाम क्या है, उसके बाद उसको ये भी पता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है पाकिस्तान, ये जो प्यार की कहानी बताई जा रही है, हर आदमी का अपना अपना एक दृष्टिकोण है। तो दो तीन तरह की बातें चल रही है इसमें पूरे प्रकरण में, और लोगों में एक संशय और एक कुछ लोगों को लग रहा है कि जो टेंडर एज के लड़के हैं, जो प्यार मोहब्बत का जिसका उम्र है, उन लोगों को लगता है कि प्यार का एक मिसाल बना और गदर सिनेमा की तरह ये भी हिट किया, तो एक लोगों के बीच में ये चर्चा है। पढ़े लिखे लोग या समझदार लोगों के बीच में एक संदेह की हुई दृष्टि बनती है। तो पहली बात आप ये समझिए इसमें कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिमाग नहीं काम करना। तो ये वहां से उसको पता था कि हिंदुस्तान हमको जाना है, तो वहां से वो समझती है कि नेपाल के रास्ते हम आएंगे। इसका एक अध्ययन करना, तो अध्ययन करके फिर उसमें मैंने पूरा एप्लीकेशन यानी कि प्रॉपर उसका माइंड काम किया, बहुत लंबे अवधि से सोचा। और कोई भी आदमी जब हिंदुस्तान के नेपाल या पाकिस्तान से, यहाँ से लोग दिल्ली जाता है तो अनकंफर्टेबल फील करता है, बिल्कुल सर, इतने, और वो विदेश से आकर जिस बेबाकी बेपाकीपन से वो सारे चीजों को डील कर रही है, वो भी चार बच्चे के साथ, वो बच्चे का एस्पेक्ट भी बाद में मैं लाऊंगा, पहले उसको व्यक्तिगत तौर पर देखिए, तो वो उसके अवभव और जो शार्पनेस है वो एक साधारण तरीके तबके का महिला का वो लक्षण नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, तो वो अपने आप में एक संदेह देता है। तो क्या वो विष कन्या की तरह, जो जैसे इस्तेमाल किया गया था, मैंने कहा कि चाणक्य ने किया था धनानंद को समाप्त करने के लिए, तो क्या हिंदुस्तान में वो प्रवेश करके यहाँ पर उसके एजेंट के तरह वो कोई काम तो नहीं कर रहा है, काम तो नहीं। इस तरह का चीजें को एक सुनियोजित तरीका से हो सकता है। और एक बहुत ही अहम और गंभीर बात इस प्रेम कथा के बाद आपको लगेगा कि आखिर कोई पाकिस्तान का सिटीजन हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाता और वो नोएडा यानी दिल्ली के एनसीआर वाले एरिया तक पहुंच जाता है तो ये इंटेलिजेंसी ब्यूरो, सरकार, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगाए हुए हैं, कहीं ना कहीं वहां पर सोचने की जरूरत है कि कहीं कि हम लोग क्या, इसको आप ऐसे मत देखिए, मुल्क खतरे में पड़ जाएगा यदि आप इसको प्रेम कहानी का पर्दा डाल, सुरक्षित कहाँ है, वो तो आ गई बिना वीजा के। और एक तो चीज ये हो गया, अब आइए जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ये एक संदेह देता है विष कन्या की ओर। तो वो दूसरी बात आपको लगता है कि बच्चे का एक्सपेक्टेशन देखिए, तो आपको जानकर हैरत होगी, हिंदुस्तान आते ही जय श्री राम हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना। अब चूंकि वो हिंदुस्तान में, वही मैं आपको कह रहा हूँ,
कि कोई भी आदमी जिस धर्म से होता है इतनी जल्दी धर्म के प्रति विरक्ति नहीं है, कभी नहीं, कभी नहीं। और वो यहाँ के साइकोलॉजी को समझती है कि हिंदुस्तान में जिस दिन आदमी धर्म का जो होता है ना बात चलेगी तो फिर लॉजिकल बात खत्म, जहाँ धर्म है आस्था है वहाँ माथा का काम माने एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो है सो खत्म हो जाता है। तो वो हिंदुत्व कार्य करना, सभी लोगों को स्वीकार कर लेना, बिल्कुल, तो ये भी एक संदेह करता है। देखिए वो लड़का और लड़की का जब आप देखेंगे तो इस जो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है रीड करने का जो तरीका होता है, तो लड़का को लगता है कि इस्तेमाल किया गया है हिंदुस्तान में आने का, क्योंकि सचिन एक मोहरा है, सचिन को सीधा है और वो वहां पर, और ये लड़की कई गुना ज्यादा आगे है सर, शार्प है, बहुत शार्प है, मैं शार्प कह रहा हूँ। और चार बच्चे के साथ, अब कहिएगा कि बच्चे को लेके आने के पीछे रीजन है कि कोई उस पर शक नहीं करेगा, शक नहीं करेगा कि वो एजेंट है, और बच्चे से लेके सारे चीजों का, तो वो जो सरकार का जो ये चीज है ये बहुत गंभीरता से प्रश्न है। और शत्रु राष्ट्र से यदि किसी व्यक्ति को आप लाते हैं और हिंदुस्तान में रखते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर आप प्यार मोहब्बत कीजिए, लेकिन पूरे मुल्क को खतरे में डालना ये कदापि उचित नहीं। यदि संदेह भी हो गया है तो ये इसको केवल प्यार का चादर ढक के आप नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते। और मोहब्बत का जो सवाल है यहाँ पर, तो ये कैसी मोहब्बत के चार बच्चे की जिंदगी, क्या पता सर इधर मोहब्बत में सबको पढ़ा दिए हैं पूरा हिंदुस्तान को, और पीठ पीछे पाकिस्तान और कुछ गुल खिला रहे हैं। सर सवाल ये भी है ना सर कि जब वो जेल चले गए दोनों को, तो फिर से रिहा क्यों हो गया, बेल क्यों हो गया? देखिए वो बेल का अलग प्रोसेस है, न्यायालय में जो धाराएं लगी होती है, अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल है, अवेलेबल है तो उनको बेल पर देना ही पड़ेगा। कोई अभी तक तो यही नया है, अभी उसके ऊपर जो इल्जाम है कि हिंदुस्तान में विदाउट वीजा कोई आ गया, तो विदाउट वीजा आ गया उसके लिए फांसी की सजा थोड़े क्या फांसी दे देंगे। तो जो अभी जब तक की कोई ठोस निर्णय नहीं मिल जाए कि वो एजेंट है या वो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी बनकर आए, जब ये संदेह हो जाएगा, हालांकि एने उस पर जो है स्वप्न सिकंजा कस रहा है जिस तरीके से न्यूज वगैरह में आ रहा है, तो वो बात की चीज, अभी प्राइमरी स्टेज में उसको देखा गया और वहां पर भी बहुत सारे इंटेलिजेंट ब्यूरो हमारे रहते हैं, वो भी देखते हैं कि हम हिंदुस्तान के कि इसको छोड़ो उसकी एक्टिविटी पर देखो। लेकिन एक इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग कोई भी होगा तो वो इतनी शार्प है कि वो संदेह के घेरे में आ जाता है, नंबर वन। नंबर सेकंड, केस इज नॉट ओनली वेल ट्रेंड, वो उसके जो बच्चे हैं वो भी वेल ट्रेंड हैं, वो आते हैं, नाम चेंज कर दिया, उसको पता भी है कि मेरा नाम क्या है, उसके बाद उसको ये भी पता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है, पाकिस्तान जय श्री राम के नाम बता रही है कि मैं पांचवीं तक पढ़ी और इंग्लिश बहुत अच्छा। वो जो देखिए कोई जरूरी नहीं है कि जब इतने दो बातें, जो लड़की पाकिस्तान से सफर करते हुए हिंदुस्तान तक आ जाए तो पांचवी लड़की की औकात नहीं कि ला सकती, कभी नहीं, एक साधारण महिला देना है, वो अकेले चार बच्चों के साथ सफर करने का जो जज्बा रखेगा वो पांचवी पास हो ही नहीं सकती। मैं कह रहा हूँ कि आप जो यूपीएससी बीपीएससी करने वाले लोग हैं और कम्पीट करके उनको कहिए पाकिस्तान में एंट्री करके आ जाए, कदापि उचित नहीं है सर, नाम सुनते ही डर लगता है, डर लगता है। तो वहां तक का सफर जो है इसको साधारण, यदि देखिए मैं बहुत लोग कहेंगे कि ये हमेशा यंग जनरेशन के विरोध में बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, करने वाले का विरोध करते हैं, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ हर आदमी का, लेकिन यदि अब आइए कि ये दृष्टिकोण देखेंगे प्यार मोहब्बत का, तो ये प्यार हो ही नहीं सकता है कि चार बच्चे के माँ के साथ यदि आप मोहब्बत का ये करते हैं तो, और देखने से भी वो चार बच्चे की बात नहीं लगती है जो वास्तविक चीज है। और जो सचिन है ये इतना बड़ा गधा है कि चार बच्चे की माँ ऐसे प्यार करने लगी, पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आया, ये कभी संभव है? इसको हिंदुस्तान में लड़की नहीं मिली या फिर अपने एज का लड़की नहीं मिली? देखिए वो अपने एज की लड़की, ये लड़की का सर एज ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है देखने से जो लग रहा है, चार बच्चे की माँ है तो वो अलग चीज है। लेकिन आप चीजों को समझिए कि विष कन्या का जो इस्तेमाल मैंने बताया, चाणक्य ने ही वो नीति देकर गई और उस नीति उनका वो नीति सफल रहा, और उसी विष कन्या का जो था इस्तेमाल करके उन्होंने धनानंद का जो मगध सम्राट थे उनके पतन का कारण बना। तो वो एक चीज हो सकता है कि विष कन्या के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया हो, जो इतिहास को पढ़े होंगे समझे होंगे उनको ये बातें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। लेकिन जो प्यार मोहब्बत आजकल के जो ऊपर ऊपर सत ही बातें करते हैं ऊपर ऊपर से, तो उन लोगों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक बहुत ही खतरे का संकेत जरूर है कि आपके हिंदुस्तान में यदि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक
इतना इजीली यदि प्रवेश कर जाता है तो ये एक खतरा का संदेश है। और दूसरी बात कि अब जहां तक आपने सचिन के बारे में कहा, तो सचिन को कुछ नहीं एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है वो, और उसके आर में वो ये दिखाना चाह रही है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को इस तरह में इस्तेमाल किया जाता है, वो तेज तरार और दिमाग लगाने वाले आदमी को नहीं लगाया जाता। तो देखा कि ये लड़का का दिमाग ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ माइंड है नहीं, तो इसके घर में आराम से हम रहेंगे और फिर इसकी कोई प्लानिंग होगी। एक बात और, दूसरी और अहम बात जो आपको हम बता रहे हैं और जो समझने की जरूरत है, आपको याद होगा कि पेंटागन में जब अमेरिका में जब हमला हुआ था, एरोप्लेन को क्रैश कराया गया था, तो शुरुआती दौर में ही वहां पर एक आदमी को वहां पर भेजा गया, पायलट का कोर्स कराया गया, वो कंप्लीट किया, ट्रेनिंग लिया, और तब 10 साल 15 साल के मेहनत के बाद उसका प्लानिंग था कि वहां पर जाके तुम विस्फोट करना और पेंटागन को में जो हमला हुआ था। ये जो बच्चे लाए गए होंगे तो क्या पता हिंदुस्तान के बारे में समझा कि सेंध लगाना बहुत खतरनाक है, नहीं जा सकते हैं, तो चार बच्चे को लाया और वो माँ उसकी परवरिश करके पाकिस्तान के प्रति उसको वफादारी और हिंदुस्तान के प्रति उसको नफरत सिखाती और यहाँ पर चारों जगह विस्फोट कराती, मान लीजिए, या कराने का योजना हो, योजना हो। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये जो चीज आपको दिख रहा है ऐसा नहीं है, मैं ये संदेह का एक कारण है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात सच्ची ही हो सकती है, लेकिन ये तमाम तरह का ये, और हिंदुस्तान की जो जो इंटेलिजेंसी है और भी बहुत सारे चीज लगे हैं लोग, वो लोग भी इस दृष्टिकोण से देखते होंगे, क्योंकि ये उजागर हो गया आप लोगों के माध्यम से कि ये इस तरह का बात आया है। तो मूल मेरा अपना जो जिस तरीके का लग रहा है कि इसमें जो है जांच एजेंसियां जितनी भी है हिंदुस्तान की, उनको अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो रही, कि और चूक तो है इस चीज को एडमिट करना चाहिए। पहले आप चुनौतियों को स्वीकार करेंगे उसके बाद ही आप निदान की ओर बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं तो ये चीज पहले एडमिट करना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं त्रुटि हुई कि पाकिस्तान का कोई सिटीजन चार बच्चों के साथ यानी पांच सिटीजन यदि हिंदुस्तान में आ जा रहा है और बड़ी आसानी से दिल्ली तक के दरवाजे पर पहुंच गए, चौखट पर है, आप नोएडा का मतलब समझिए कि दिल्ली का चौखट, वहां तक पहुंच गए तो लाल किला तक पहुंचने में उसको टाइम नहीं लगेगा। तो ये जिस तरीके से आप लोग, आखिर बिहार के लड़के से क्यों नहीं मोहब्बत हुई, उसको नेपाल के लड़के से क्यों नहीं मोहब्बत हुई, तो ये सब जो चीज है, क्या लड़का में ऐसी कौन सी अद्भुत गुण थी कि वो पाकिस्तान से यहाँ आ गया, न उसके उम्र का था, न ही उसको नॉलेजेबल है, न ही उसके किसी भी दृष्टिकोण से नहीं। यहाँ पर सीमा हैदर के जो चार बच्चे हैं, चारों बच्चे में जहां तक मुझे लगता है कि उम्र एज का भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है, उसके बाद सीमा हैदर और उनके बच्चे का इतना जल्दी इतना शुद्ध हिंदी बोलना अच्छे से कैसे हो सकता सर? वो बोल रही थी कि हमको हिंदी नहीं आती है, कैसे हो सकता है इतना जल्दी? आपको केवल उसके बारे में और ये सचिन के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचिए, आज के डेट में चूंकि कोर्ट कचहरी में हम लोग एक पर एक लोगों को देखते हैं, बिल्कुल, तो आपको पता चलेगा जब कोई रोड पर चलते हैं ना, तो कोई भी सुंदर स्त्री यदि या महिला या लड़की आपको कुछ इस तरीके का, और कुछ लोग सुंदरता भी जा रहे हैं कि तो अच्छी सुंदर है, कुछ लोग यदि आपको सुंदर है और इशारे कर रही है तो वहां पर सावधान होइए, पहले अपने आप को मूल्यांकन कीजिए। अभी हमारे साथ एक क्लाइंट आए थे हमारे पास, उनके साथ घटना हुई कि बस में बैठे वो, और वो बुजुर्ग टाइप के थे, उसके बगल में एक महिला बैठी और उनके जांघ पर हाथ रखी और वो उनको अपने एल्योर करना कहते हैं वो किए, और पॉकेट में उनके 40,000 रुपए थे, निकल गए। तो आप चीजों को समझिए कि वो एल्योर भी करता है बहुत चीज। जब वो घटना को बताए तब पता चला, उसका फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो घटना हुआ था, कैसे उसके पॉकेट को काट के पैसा निकाला। तो ये हाजीपुर की घटना है। तो बगल में औरत बैठी और उसके साथ वो जान बूझ कर उसके दिमाग को भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए कुछ वो गंदी हरकत उसके साथ की, और उसमें वो भूल भुलैया में रह गया और इधर पॉकेट से पैसा 40,000 था उसका निकाल दी। तो आप समझिए कि हर खूबसूरत चीज में जो है, गुलाब का फूल है तो उसके साथ कांटा भी है, तो कांटा का आप ध्यान ज्यादा रखिए। ये नहीं कि आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, इसका मतलब सामने वाला भी अच्छा और सच्चा है, यानी और जो लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक का सफर कर सकती हो इतने बाद क्या और कर सकती है वो? तो वो आपके जीवन में क्या कर देगी और कितने दिन टिका, जो चार बच्चे के बाप के साथ नहीं रही तो आपके साथ कितना दिन रहेगी? तो ये सब तमाम तरह, वो लड़का लोग भी तुरंत में उसको पापा, बहुत लोग जो है बड़ा खुश हो रहे हैं कि सर गोरी चिट्टी भाभी मिल गई, अच्छी भाभी मिल गई, ये भाभी भाभी ये इस तरह के लोगों को जब इतने डीपली जिसको ज्ञान है
हालांकि अब मुझे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके इस वीडियो को बहुत कम ही लोग देखेंगे, क्योंकि इसको पचाने के लिए जब खाते हैं तो डाइजेस्ट करने के लिए क्षमता चाहिए, क्षमता चाहिए। तो ये जो बातें हो रही है बहुत मुझे लग रहा है कि ज्ञानप्रद बातें हो रही है कि इस तरीके से सावधान रहे, तो लोगों को वो चीज नहीं चाहिए। यहाँ पर ऊपरी बुलबुल्ले टाइप की बातें ज्यादा लोग चलाते हैं, मजाक मस्ती कर लेते हैं। दुख तो इस बात का होता है कि बहुत लोग विद्वान भी हैं, उन लोग भी व्यूज पाने के लिए वही सुर गाने लगते हैं जो सही नहीं होते हैं। तो मैं किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। यदि आपको सरस्वती की साधना किए हैं, ज्ञान है आपके पास, नॉलेज है, तो जितना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे बहुत नॉलेज है, मैं तो अभी कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना ही ज्ञान हो उससे सही प्रकाश दिखाइए, एक ही दो आदमी को हो लेकिन सही मार्गदर्शन दिखाइए। लेकिन व्यूज पाने के लिए, उसको TRP बढ़ाने के लिए आप भी वही कर रहे हैं जो एक अनपढ़ और जो जाहिल टाइप के लोग करते हैं, तो समाज कैसे बचेगा, हिंदुस्तान कैसे बचेगी? आप इसको प्रेम कहानी नाम दीजिए। मुझे तो लग रहा है कि हिंदुस्तान के सीमा जो सुरक्षा है उसको और मजबूत करने की जरूरत है, और ऐसे लोग कैसे प्रवेश किए हैं इस पर विवेचना।